नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइल्स नो। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें हमारे वीडियोस को। दोस्तों भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास का है, जिसे बच्चों की फीस से लेकर घर के राशन तक बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे में 3 से 4 लाख रुपए की एक बजट गाड़ी भारत के मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक सपना ही रह जाती है। लेकिन यहाँ माइल्स नो पर हमारे पास एक सलूशन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं प्री ओन्ड और यूज्ड कार्स की बात कर रहा हूँ, जिसे हम आमतौर पर सेकेंड हैंड कार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम माइल्स नो पर इस सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हम नई गाड़ियों की बात करते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस सीरीज में ये बात करूंगा। अब कम से कम हम ऐसे 10 वीडियोज में देखेंगे कि किस तरह से हमें पुरानी गाड़ी, यूज कार्स, प्री ओन्ड या सेकेंड हैंड कार्स लेनी चाहिए, कौन कौन से मार्केट्स हैं स्पेशली नॉर्दर्न यूपी में। बिसाइड्स आप, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ यहाँ पर लखनऊ, कानपुर के कौन कौन से मेन मार्केट्स हैं जहाँ पर जाकर ये कार्स हासिल किया जा सकती है। बिसाइड्स हमारे पास महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस है, मारुति की ट्रू वैल्यू फ्रेंचाइजी, उसके अलावा हमारे पास फोर्ड अश्योर्ड, इस तरीके के ऑप्शंस भी हैं जहाँ पर हम कंपनी की सर्टिफाइड या ऑथराइज कार्स भी ले सकते हैं। सेकेंड हैंड या यूज कार लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस 1 से 2 लाख रुपए के बजट में कौन सी ऐसी बजट कार्स है इंडिया के अंदर जो बेस्ट है, और हम इस सीरीज में ये भी जानने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि एक कार हमारी खरीदने लायक है कि नहीं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें इसे हम जानकर उस कार को बेहतर से बेहतर डील हासिल कर सकते हैं। और अगर हम इस बात को जान जाते हैं कार में क्या क्या फॉल्ट है, किस तरह से एक कार को लेना चाहिए, कौन कौन से नुआंसेज हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है एक कार लेने के लिए, एक ओन्ड, प्री ओन्ड और एक यूज कार लेने के लिए, तो हमारे लिए एक बेटर बार्गेन हो सकता है। और टायर उस समय जो है 80-85% तक खत्म हो चुके होते हैं। एक एक चीज गाड़ी खुद बताती है। अगर आप गाड़ी को मतलब कायदे से खड़े होकर देखें, उसका साउंड सुने, तो गाड़ी अपने बारे में खुद बताती है आपको। मतलब उसको बारीकी से सिर्फ देखना है। अक्सर आवाज करते हैं राइट लेफ्ट काटने में, कई चीजें होती है ऐसी जो सेकेंड हैंड गाड़ी में लेते टाइम आदमी को चेक करनी चाहिए। तो सामने से मान लीजिए गाड़ी को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले हमें अलाइनमेंट गाड़ी का कैसे पता लगे या कैसे पता लगे कि गाड़ी लड़ी है कि नहीं? गाड़ी लड़ने का, जैसे बाय चांस गाड़ी लड़ी है तो गाड़ी का हल्का सा अलाइनमेंट भी आउट होता है। व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज करें, और आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में इन चीजों की बात करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माइल्स नो। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।